ओम भूर्भुवस्वः तत्सत्तुर्वरदेनियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। जय माता दी। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, आज हम शुरुआत करेंगे चतुर्थ दिवसीय माँ कूष्मांडा की अमर कहानी। भगवती माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अवगत किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन देवी ने अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्तिमान है, भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवताओं इनके तेज का बखान नहीं करते हैं। इन्हीं के तेज और सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं के छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजी देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धदात्रियों और सिद्धियों निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुमड़े को कहते हैं। बलियों में कुमड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अंचल मन में कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम वेद पुराणों से वर्णित विधि विधान पूर्वक माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग हैं। माता की उपासना मनुष्य को आंधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली माँ कूष्मांडा देवी के श्री चरणों में सत सत नमन। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भक्तों कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जल्द से जल्द फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वह भी सुन सकें यह कूष्मांडा की पावन गाथा।